दोस्तों, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी जनजाति लोकगीत में और यहां से क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा समुदाय गाथा गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है देवार। थोड़ा सा डिटेल, देवार समुदाय गाथा गायन के लिए प्रसिद्ध है जिनके गाथन नक बस देवा चंदा रउताइन और दसमत कैना नगेसर कैना आदि हैं। ठीक है, इस राज्य की कौन सी जनजाति लिंगो पाठा गाते हैं? तो वो है आपका है प्रधान। लिंगो पाठा कौन गाते हैं? तो गाते हैं आपके प्रधान लोग। सी, धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? तो वो गाते हैं आपके बस्तर जिला में। धनकुल गीत बस्तर अंचल में हलवा तथा भत्रा जनजातियों द्वारा हल्बी भाषा में गाया जाता है। ठीक है, बस्तर अंचल में धनकुल जगार के आयोजन में गायन की भाषा क्या है? तो है आपका हल्बी। सी, बस्तर अंचल में पारंपरिक घोटुल पाटा गायन किस भाषा में होता है? तो है आपका हल्बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पढ़िए। तो कथन पढ़ना है, ठीक है। तो पहला है आपका है, इस राज्य की लोक संस्कृति मुख्यतः प्रकृति से प्रभावित है। तो ये बिल्कुल सही है। और लोकगीत एवं लोक नृत्य इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। तो ये भी सही है। इस राज्य की संस्कृति पूर्णतः जनजातीय परंपराओं पर आधारित है। तो ये गलत है, ठीक है। तो एक और दो सही है। बी, हुल्की पाटा किस संभाग में गाते हैं? तो है आपका है बस्तर संभाग। जात्रा पाटा क्या है? तो वो है आपका है धार्मिक गीत है, वो एक गीत है। ए, रेला गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है? तो है आपका मुरिया। ठीक है, थोड़ा सा आज दूसरे जगह हूँ इसलिए आ सकता है कुछ भी बैकग्राउंड में, उस पर ध्यान ना देवे। रेला रिलो गीत इस राज्य के मुरिया जनजातियों का एक वैवाहिक गीत है जिसे स्त्री एवं पुरुषों द्वारा बारी बारी से गाया जाता है। ठीक है, रेला गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है? तो यह आपका मुरिया। ठीक है, मुरिया। और बस्तर जनजातियों में गाया जाने वाला वीर गीत का नाम है, तो उसका नाम है घोटुल पाटा। ठीक है, डी, लोकगीत लेजा, ठीक है, लेंजा छत्तीसगढ़ के मुख्यतः कौन से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गाया जाता है? तो है आपका है बस्तर। बस्तर के तीजा जगार के पारंपरिक गीत प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस लोक भाषा में गाए जाते हैं? तो है आपका हल्बी। मुरिया जनजाति द्वारा घोटुल पाठा गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो है आपका है मृत्यु। ठीक है, जिसमें गला घोट जाता है तो आदमी मर जाता है, वैसा वाला। ठीक है, पाटा अवसर, घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पर। माओ पाटा, माओवासी ऐसा सुने होंगे। माओ पाटा शिकार के अवसर पर। हुल्की पाटा सामान्य अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और मरम पाटा, ठीक है, मरम घोटुल के बाहर किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। मुरिया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाए जाने वाला गीत कहलाता है। तो है आपका है घोटुल पाटा। हुल्की पाटा सामान्य अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। लिंगो पाटा प्रधान जनजाति से संबंधित है। मरम पाटा यह जनजातीय लोक गीत है। ठीक, नेक्स्ट, जनजातियों का लोक नाट्य। तो किस जनजाति के नाम पर नाट्य प्रसिद्ध है? तो है आपके भत्रा। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ठीक है, तो इस राज्य में बस्तर की जनजातियों का एक प्रमुख लोक नाट्य नाट्य भत्रा नाट्य है। बिल्कुल सही है। और इस नाट्य में भाग लेने वाले सभी पुरुष होते हैं। बिल्कुल, ये भी सही है। इस नाट्य में जनजातियों की विद्यमान समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है। ये गलत है। ठीक है, एक और दो सही है। बी, इसमें भी अपने को कथन पढ़ना है। ठीक है, बस्तर की जनजातियों में भत्रा नाट्य प्रचलित है। ठीक है, सही है। भत्रा नाट्य की कथा वस्तु पौराणिक घटनाएँ हैं। बिल्कुल सही है। और भत्रा नाट्य में सभी कलाकार पुरुष होते हैं। बिल्कुल सभी, तीनों सही हैं। ए, और इस राज्य के किस जनजाति का लोक नाट्य खम्भ स्वांग है? तो वो है आपका है कोरकू। खम्भ स्वांग नाट्य कोरकू जनजाति में प्रचलित है जो कुंवार नवरात्रि से देव प्रबोधिनी एकादशी तक चलती है। ठीक है, मुरिया जनजाति द्वारा शिकार के अवसर पर किए जाने वाला लोक नाट्य कहलाता है। तो वह है आपका माओपाटा। ठीक है, शिकार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के जनजातियों लोक नाट्य भत्रा नाट्य से संबंध में सही है? तो वह है आपका बी, इसकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। ठीक है, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर को चुनना है अपने को।
लक्ष्मी जगार बस्तर की लोक कथा है, सही है, ठीक है। और भतरनाट उराव जनजाति से संबंधित है तो ये गलत है। मरमपाटा गीत है, बिल्कुल सही है। घोटुल मुरिया जनजाति से संबंधित, ये भी सही है। ए भतरनाट भतरा जनजाति से संबंधित है जो बस्तर क्षेत्र में निवास करती है। इस राज्य में बस्तर की जनजातियों की नाट्य कला निम्न में से कौन सी है, तो वो है आपका भतरा। जनजाति त्यौहार एवं पर्व देखते हैं। मेघनाथ पर्व से संबंधित छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है, तो है आपका गोड़। और सरगुजा संभाग की जनजाति कर्मा त्यौहार कब मनाते हैं, तो मनाते हैं भादो माह में भी। ककसाड़ त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो है अभुजमाड़िया, ठीक है। माड़िया अभुजमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व है, तो वह है आपका है ककसार। और कर्मा त्यौहार क्यों मनाते हैं, तो मनाते हैं आपके उराव, ठीक है। कर्मा त्यौहार से संबंधित है कि बैगा उराव मुंडा कमार गोड़ आदि हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी जनजाति कर्मा त्यौहार मनाती है, तो वह है आपके मुंडा। और मड़ई त्यौहार के दौरान लोग किस पेड़ के फूलों से बनी मदिरा पीते हैं, तो है आपके महुआ, ठीक है, महुआ दारू। और छत्तीसगढ़ में खालिस्तान के त्यौहार के दौरान भक्त नृत्य देवता की पूजा करते हैं, तो वो है आपका भगोरिया। ए मूल रूप से भगोरिया त्यौहार किस जनजाति के साथ जुड़ा है, तो आपका जुड़ा है भील। और तीन माह तक चलने वाला त्यौहार बाली बरब किस जनजाति में मनाया जाता है, तो है आपका भतरा। उस समारोह का नाम क्या है जहाँ डोरला पर्याप्त बारिश होने के लिए मेंढकों की शादी रचाते हैं, तो है आपका है कपाल पांडुम। और निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित है, तो है आपका गोंचा। छत्तीसगढ़ में अभुजमाड़ी आदिवासियों द्वारा गोंचा पर्व आषाढ़ माह में मनाया जाता है। बस्तर की गोड़ जनजाति में नवाखाई त्यौहार को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं पांडुम, ठीक है जी। कर्मा त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो वह है आपके उराव। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति मेघनाथ त्यौहार मनाती है, तो है आपके गोड़। छत्तीसगढ़ का कौन सा त्यौहार धरती माता की श्रद्धा में मनाया जाता है, तो है आपका है सरहुल महोत्सव, ठीक। सरहुल तथा कर्मा किस जनजाति के प्रमुख पर्व हैं, तो वह है आपके उराव, ठीक है उराव। और सरहुल उराव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र माह में साल वृक्ष में फूल आने पर मनाया जाता है। कर्मा यह बैगा उराव गोड़ जनजातियों के द्वारा प्रायः भादो एकादशी को मनाया जाता है। इस पर्व में कर्म वृक्ष या उनकी टहनियों को रोपा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में बारिश न होने पर कपल पेंडुम अर्थात मेढों का त्यौहार स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है, तो है आपका है डोरला डी। कपल पेंडुम किस जनजाति की स्त्रियां मनाती हैं, तो है आपके डोरला, ठीक है। महुआ फूल एकत्रित करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो मनाते हैं उराड़ पेंडुम, ठीक है। महुआ फूल को एकत्रित करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब उराड़ पंडुम त्यौहार मनाते हैं। यह त्यौहार फरवरी अप्रैल माह में मनाते हैं। नेक्स्ट किस जनजाति में गांव से बाहर ऊंचे खंभे को मेघनाथ त्यौहार मनाने हेतु गाड़ा जाता है, तो आपका कोरकू। खम्भ स्वांग कोरकू जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नाट्य है। इस नृत्य में एक स्तंभ मेघनाथ खम्भ खाड़ा किया जाता है और उसके चारों ओर नृत्य करते हैं। यह लोक नाट्य कुंवार माह से देव प्रबोधनी एकादशी तक किया जाता है। गोड़ जनजाति पुपुल साड़ त्यौहार किस माह में मनाते हैं, तो यह आपका है पौष माह। इस राज्य में बस्तर की जनजातियों द्वारा कितने दिनों तक दंतेश्वरी पूजा की जाती है, तो आपके हैं नौ। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा ककसार त्यौहार मनाया जाता है, तो आपका मुरिया। और रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है, तो आपके बैगा। रसनवा पर्व राज्य में बैगा जनजाति द्वारा मनाई जाती है। रसनवा का अर्थ है शहद का औपचारिक भोजन या त्यौहार हर नौ वर्ष में एक बार आता है। बैगा जनजाति इस त्यौहार को अपने महान पूर्वज नागा बैगा से संबंध करते हैं, ठीक है। बस्तर की हलवा भतरा जनजातियों के द्वारा मनाए जाने वाला उत्सव बाली पर्व किस देव से संबंधित, वह आपका भीमा देव। बस्तर के कृषि पर आधारित लोकोत्सव को कृषि कार्य से सुमिलित कीजिए, ठीक है। कृषि कार्य से सुमिलित करना है अपने को कार्य पंडुम हो जाएगा आपका है वृक्ष काटने जलाने का पर्व। और ये हो जाएगा बोटी गड़ी गट्टी पंडुम, ये हो जाएगा आपका बीज बोने का पर्व। और पंचिंग पंडुम, ये हो जाएगा आपका बियासी पर्व।
और तोरम पंडुम हो जाएगा कटाई पर्व, ठीक है ए। और पंडुम विवरण, पंडुम बस्तर की गोड़ जनजाति में नवाखाई त्यौहार को पंडुम कहते हैं। उराड़ पंडुम, महुआ के वृक्षों में फूल खिलने जाने पर फूल एकत्र करने हेतु आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब यह पर्व मनाया जाता है। नुन्ना रानी दाना पंडुम, घोटुल में अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला त्यौहार नुन्ना नारे दाना पंडुम है, जिसमें घोटुल की सभी मोटियारी ने दूसरे घोटुल में जाती हैं। सेकेंड मरका पंडुम, कोरे पंडुम, कारा पंडुम, इराऊ पंडुम, ठीक है। कपल पंडुम, दोरला जनजाति द्वारा अच्छी वर्षा की कामना हेतु। मरका पंडुम, आम की नई फसल आने पर, ठीक है। इरपू पंडुम, महुआ बिनने जाने पर, ठीक है। कुरुम पंडुम, छोटे अनाज बाजरा के भोजन के समय। पोर्ता पुना पंडुम, नया चावल खाने पर। भीमुल पंडुम, वर्षा के देवता संबंधित त्यौहार। कारे पंडुम, घास एवं बांस काटने के समय। वीजा पंडुम, बीज उत्सव। नुकुन दन पंडुम, दशहरा के समय। जाता पंडुम, सरसों की फसल काटने पर। पंचम पंडुम, इसे बियासी पर्व की भी कहा जाता है, बीज अंकुरित होने पर मनाया जाता है। बोटी गटी पंडुम, बीज बोने के समय। तोरम पंडुम, कटाई के समय, ठीक है। नेक्स्ट मड़ई, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो है आपका है नारायणपुर का, ठीक है। शुरुआत पुरुषोत्तम देव बस्तर, काकती वंश के राजा, क्षेत्र बस्तर, ठीक है। और जनजाति माड़िया मुड़िया, अवसर फसल कटने के बाद माघ से फागुन तक। आराध्य देव अंगा देव, ठीक है, काष्ट से निर्मित किए जाने वाले ये आते हैं जी की पूजा करते हैं, ठीक है। और नृत्य मड़ई के समय मुड़िया जनजाति द्वारा ये बाल तोर नृत्य किया जाता है। सर्व प्रसिद्ध मड़ई नारायणपुर का मड़ई फरवरी माह में आयोजित होता है, ठीक है। मड़ई का घर बस्तर संभाग, उद्देश्य सांस्कृतिक क्रियाएँ, अर्थव्यवस्था जीवन साथी का चयन। प्रदेश के मड़ई जिला नाम नारायणपुर मड़ई गोंडागांव, फागुन मड़ई दंतेवाड़ा, फागुन मड़ई कांकेर, माघ मड़ई बस्तर, दंतेश्वरी फागुन मड़ई 9 दिनों तक चलता है। राजनांदगांव लोक मड़ई, मड़ई त्यौहार किस समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा मनाया जाता है, तो है आपका है गोड़, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का मड़ई निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है, तो जुड़ा है आपके अर्थव्यवस्था से, सांस्कृतिक से, जीवन साथी चयन से, उपरोक्त सभी डी। थोड़ा सा डिटेल, जब मड़ई महोत्सव छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है, त्यौहार है। यह राज्य की प्रसिद्ध परंपरा और संस्कृति को दर्शाता है। यह सितंबर से मार्च के महीनों तक मनाया जाता है। मड़ई महोत्सव में जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परंपराएँ सम्मिलित होती हैं। बस्तर में दंतेश्वरी फागुन मड़ई उत्सव किए जाने कितने दिनों तक चलता है, तो ये चलता है आपके 9। फागुन मड़ई मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो ये होता है आपके कोंडागांव में। और छत्तीसगढ़ में मड़ई उत्सव का मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दिसंबर से मार्च तक। और दिसंबर से मार्च तक कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें समारोह बस्तर और दूसरे ज़िलों में से गुजरता हुआ अंत में कोंडागांव में समाप्त होता है, तो है आपका है मड़ई त्यौहार, ठीक है। नारायणपुर मेला छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो वह आपके बस्तर, ठीक। और मड़ई मेला का उत्सव किसने शुरू किया था, तो किया था आपके पुरुषोत्तम देव बस्तर के राजा ने, ठीक है डी। हर साल नारायणपुर मेला मड़ई कब आयोजित किया जाता है, तो किया जाता है फरवरी में। छत्तीसगढ़ में मड़ई त्यौहार किस दिसंबर के महीनों से तक मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मड़ई त्यौहार दिसंबर के महीनों से खालिस्तान तक मनाया जाता है, तो है आपका मार्च। नेक्स्ट, पंचायत का प्रधान, छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है, तो कहलाता है कुरहा, ठीक है। जनजाति पंचायत का प्रधान, ठीक है, भुंजिया पुजेरी पाती, ठीक है, पुजेरी पाती, कमार कुरहा, परजा मडुली, अभुजमाड़िया मांझी, गोड़ कांडरा राजा, खैरवार महत्तो मांझी, ठीक है, खड़िया प्रधान, धनवार धनिया, अघरिया बिझवार कंवर गौटिया, ठीक है। परजा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है, तो कहलाता है मंडुली, ठीक है। किस जनजाति में परंपरागत पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है, तो है आपका है कमार। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ठीक है, तो इसमें है कोरवा
जनजाति की पंचायत मायरी कहलाती है, तो ये बिल्कुल सही है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भोटिया जनजाति पाई जाती है, ये गलत है। कुरुख उड़ाव जनजाति की भाषा, ये सही है। और धनका उड़ाव जनजाति की उप जनजाति है, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट डिटेल। कोरवा जनजाति की पंचायत मायरी कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भोटिया जनजाति निवासरत नहीं है, ठीक है। कुरुख उड़ाव जनजाति की बोली है और धनका उड़ाव जनजाति की उप जाति के रूप में जाना जाता है। जनजाति आधारित शब्दावली, ठीक है। बस्तर के अनुसूचित जनजातियों का पारद क्या है, तो उसका है आपका शिकार। माड़िया जनजाति द्वारा वैडुम कुर्मा शब्द का उपयोग किसके लिए होता है, तो है आपका है मकान, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति कौरव का वंश सज होने का दावा करती है, तो है आपका है कंवर, ठीक है। कौरव कंवर का, ठीक है, सी। कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है, तो है आपका नवा घानी। कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को नवा घानी नवा धाती के नाम से जाना जाता है, जबकि क्रियाकर्म के समय कुमारी भात की परंपरा इस जनजाति में प्रचलित है। किस जनजाति में वैवाहिक महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहनती हैं, तो है आपका भुंजिया। और कड़क टंडी किस जनजाति का गाथा महाकाव्य है, तो है आपका है उराव। और कड़क डंडी उराव का कथा महाकाव्य, जिसके अनुसार सरगुजा के उराव में वीर राजा कड़क मिथकीय नायक है, तथा उन्हीं के नेतृत्व में उराव जनजातीय सिद्धि घाटी से महिमन कर छत्तीसगढ़ आए थे, ठीक है। इस राज्य को भिंजवाड़ जनजाति का जाति चिन्ह है, तो उनका है तीर। और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से संबंधित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो है जनजाति समाज मातृसत्तात्मक होता है, ये गलत है, ठीक है, नहीं है। नेक्स्ट, किस जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है, तो वह है आपका है कमार। छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति में घोड़ा छूना निषेध है, ठीक है। किस जनजाति में मोयारी की परंपरा का अनुसरण होता है, तो है आपका पहाड़ी कोरवा। छत्तीसगढ़ की पहाड़ी कोरवा जनजाति में मायरी की परंपरा का अनुसरण किया जाता है। इस समुदाय की जनजाति पंचायत का प्रमुख मायरी होता है, ठीक है। गोल गधेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, तो है आपके भील। नेक्स्ट, किस जनजाति में रज स्वाला होने से पूर्व कन्या का विवाह बाण से कराया जाता है, तो है आपके भुंजिया। भुंजिया जनजाति में रज स्वाला होने से पूर्व कन्या का विवाह बाण से कराया जाता है। यदि कोई बालिका कांड विवाह के पूर्व रज स्वाला हो जाए, तो कन्या का हल्दी विवाह सामान्य विवाह नहीं होता, ओके। छत्तीसगढ़ कौन सी जनजाति आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है, तो है आपके हलवा। छत्तीसगढ़ की हलवा जनजाति आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है, यह प्रगतिशील जनजाति है और अन्य जनजातियों की तुलना में इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी मानी जाती है। इनमें अन्य जनजाति से शिक्षा का स्तर भी अच्छा है। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घर में समुदाय की मृत्यु होने पर सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना देते हैं, तो है आपका है कंवार। छत्तीसगढ़ की कंवार जनजाति में घर के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस घर का त्याग कर दिया जाता है और नया घर बना लेते हैं, ठीक है। दोला जनजाति में पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो वो है आपका कोया, ठीक है। दोला स्वयं को कोया संबोधित करते हैं। रियासत काल में कोया जाति समुदाय के मुखिया को दोरा कहते थे, इसी से कोया जनजाति के समूह को दोरा कोया कहने लगे, तो कालांतर में जाति सूचांग नाम दोरला में परिवर्तित हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अभी भी एक आदिम जीवन शैली अपना रही है और अन्य जनजातियों से अलग रहती है, तो है आपके अभुजमाड़िया। अभुजमाड़िया जनजाति अभुजमाड़ के पहाड़ों में निवास करती हैं। यह जनजाति जनजातियों श्रेणियों में सबसे पिछड़ी और अन्य की अला आज भी एक आदिम जीवन शैली अपना रही है और अन्य जनजातियों से अलग थलग रहती है। अभुजमाड़ का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है अज्ञात। और जनजातियों में पारत का संबंध किस क्रिया कलाप से है, तो है आपका शिकार। नेक्स्ट, जनजाति वाद्य यंत्र, ठीक है। इस राज्य का पीटकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें 12 सिंगा का सिंग लगा होता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका है गुदुम, ठीक है। गुदुम राज्य का ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें पीटकर बजाया जाता है। इसमें 12 सिंगा का सिंग लगाया जाता है, ठीक है। इसे सिंह बाजा के नाम से भी जाना जाता है। यह गढ़वा बाजा और साज
का प्रमुख वाद्य यंत्र है, ठीक है। नगाड़ा का उपयोग किया जाता है तो किया जाता है आपके फाग गीत में गाने के लिए, ठीक है। ए नगाड़ा, नगाड़ा ठीक है होली के अवसर पर फाग गीतों के गायन में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र है जिसे लकड़ियों के डंडे से बजाया जाता है। दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्रों के नाम है तो उनके नाम है नेफरी, करनाल व बोरा खाली, ठीक है। नेफरी, करनाल व बोरा खाली सुशीर वाद्य यंत्र है, इन्हें मुंह से पुकार कर बजाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य हैं, तो यह आपके सुशीर वाद्य। तत्व वाद्य यंत्र धनकुल वाद्य किनकी, किर्गिज, रामबाजा, डुमिर, किनेरी, कुजाड़, दुसीर, तोहिली, तमूरा, चिकारा, दशक कोड़ी, किंदरी, किकड़ी आदि, ठीक है। विवध अवनद वाद्य यंत्र, ठीक है। एक मुखी नगाड़ा, गोंगा, तासा, मुंडा बाजा, तुड़कुड़ी बाजा, निशान, जांग, डफड़ और ओझा परपा, ठीक है। द्विमुखी मांदर, ढोलक, मृदक, बियार डोल, ठीक है। और धन वाद्य यंत्र घट, घट्टी, मुयांग, चिटकुल, झाब, झिझुट्टी, घटा और घुलघुला, घुनघुला, ठीक है। मंजिरा, झांझ, मुयांग, पिटोरका, टुड़का, घिनी, टिकरी, ठीक है। सुशीर वाद्य यंत्र तोड़ी, अकुम, सुल्लूट, बांसी, बांसुरी, मोहरी, मोरचंग, सांग, ठीक है। नेफरी, करनाल, बिर, हानी, दंतेश्वरी मंदिर के विशेष यंत्र महारा बाजा के प्रमुख वाद्य नगाड़ा, मोहरी और तड़मुड़ी हैं, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य नहीं है, तो वह है थाली, ठीक है। ढोलक, बांसुरी और मंजीरा संगीत वाद्य हैं जबकि थाली का प्रयोग एक बर्तन के रूप में किया जाता है। बिरहोरों की एक स्थाई या स्थाई बस्ती को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो है आपका है टांडा ए। और छत्तीसगढ़ में संगीत के लिए किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, तो वो होता है आपका चिंकारा, खजरी, ढपली, उपरोक्त सभी डी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में संगीत गायन के समय चिंकारा, खजरी एवं ढपली तीनों वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है जिनमें कीर्तन के समय बजाया जाता है, ठीक है। मांदार किस वर्ग का वाद्य यंत्र है, तो यह आपका वितित, ठीक है। वितित मांदार एक वितित अवनंद वाद्य यंत्र है। इसका निर्माण किसी खोखले आकार का मजबूत चमड़े और मकड़ कर किया जाता है, ठीक है। मुरिया समाज में किस पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने को महोरिया कहा जाता है, तो है आपका सहनाई, ठीक है। इस राज्य की जनजातियों से संबंधित धनकुल क्या है, तो धनकुल वाद्य यंत्र है। धनकुल एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो मिट्टी का घड़ा, सूपा, धनुष और बांस की खपच्ची से निर्मित होता है। यह निम्नलिखित चार प्रकार के जगारों में बजाई जाती है, जैसे आठे जगार, तीजा जगार, लक्ष्मी जगार, बाली जगार। धनकुल गायन के समय वादन में इनमें से कौन सी वस्तु असंबद्ध है, तो वह है आपका है बांस की चपची, ठीक है। नहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। घड़ा भी है, धनुष भी है, सूपा भी है और बांस की चपटी भी है, मतलब चारों हैं। इनमें से वाद्यगण के असंबद्ध, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, सभी हैं ई। और चिंकारा का समय है, चिंकारा क्या है बोल रहा है, तो एक प्रकार का वो वाद्य यंत्र है, ठीक है। चिकारा चर्मपत्र, लकड़ी और इस्पात से निर्मित एक तार वाद्य यंत्र है। इसका उपयोग मुख्य रूप से प्रधान प्रमुख द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कुरुक का वाद्य यंत्र है, तो है आपका मांदर, करताल, नगाड़ा, उपरोक्त में से सभी डी, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट रहेगा गाइस अपना जनजातीय शिल्पकला, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, आज थोड़ा सा इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बाय।